कि श्री राधा रानी के पग पग में प्रयाग जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है, और गोपिन के द्वार पर हरिद्वार बसत जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है, तो स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी है, जान लो हमें हम वृंदावन वासी है। जो एक बार वृंदावन पहुंच गया उसे स्वर्ग अपवर्ग से कोई मतलब नहीं है, वो कहीं जाना ही नहीं चाहेगा। बंधु एक बार जिसको वृंदावन की भूमि का आनंद प्राप्त हो गया, जिसको ब्रज भूमि का आनंद मिल गया, वो फिर कहीं जा नहीं सकता। और एक संत ने बड़ा सुंदर गाया है, आइए एक संत के भाव में हम लोग सम्मिलित हो जाएं। कितना सुंदर भाव है कि एहो विदिना विधाता से एक भक्त प्रार्थना कर रहा है, विधिना यानी विधाता, एहो विदिना तो पे अचरा पसार मांगू। अरे विधाता हम तेरे से झोली फैलाकर मांग रहे हैं कुछ। एहो विदिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो, एहो विदिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो, एहो विदिना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। एहो विदिना तो पे अचरा पसार जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी हो, एहो विदिना तो पे अचरा पसार जन्म जन्म दीजो। भक्त कहता है कि हे वृंदावन बिहारी, हमेशा जन्म देना तो वृंदावन में ही देना, हमको वृंदावन से बाहर मत करना कभी प्रभु, हम हमेशा आपके वृंदावन में ही रहें। क्योंकि वृंदावन का अर्थ क्या है? वृंदावन का अर्थ होता है बंधुओं, वृंदानाम भक्त वृंदानाम वनम यत्र तद वृंदावनम, जो भक्तों का वन है वो वृंदावन है। लेकिन किसके भक्तों का? वृंदायाह राधायाह भक्तानाम वनम यत्र तद वृंदावनम, जहां हमारे किशोरी जी के राधा रानी के बांके बिहारी के भक्त बैठ जाएं बस वही वृंदावन है, भक्तों का वन है वृंदावन, जहां भक्त मिल जाए। या वृंदायाह तुलस्याह वनम यत्र, जहां पर तुलसी का वन है वो वृंदावन है, वृंदा यानी तुलसी वो वृंदावन है। तो भक्त कहते हैं कि प्रभु हमको हमेशा वृंदावन में ही आप जन्म देना, कहीं दूर मत करना वृंदावन से। एहो विदिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो, एहो विदिना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसे वो। वृंदावन में आकर करेंगे क्या? करूं श्री बांके बिहारी के दर्शन, करूं श्री बांके
श्री बांके बिहारी के और यमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन यमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन ओ यमुना किनारे पड़ो रहूं बरसन यमुना किनारे वृंदावन की कुंज गलिन में वृंदावन की कुंज गलिन में ओ वृंदावन की कुंज गलिन में हमारे ब्रज के एक संत हुए श्री हरिराम व्यास जी, प्रेम से कहो श्री राधे। ये जो हरिराम व्यास जी थे ये विशाखा सखी के अवतार थे। आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, विशाखा सखी के अवतार श्री हरिराम व्यास जी थे और हमारे जो परम आचार्य रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज थे वो ललिता सखी के अवतार थे और हरिराम व्यास जी ये उन्हीं के समकालीन ब्रज के रसिक हुए जो विशाखा सखी के अवतार थे। भगवान की दो प्रधान सखी ललिता और विशाखा। तो ये हरिराम व्यास जी ये ओरछा के रहने वाले थे, झांसी के पास ओरछा है, भगवान राम का बड़ा